वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं वीएन एडिटर में कैसे हम ट्रेंडिंग दिलबर रील वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं सेक इफेक्ट, फ्लैश इफेक्ट, लेंस ब्लर इफेक्ट के साथ। अब ये सारे इफेक्ट अपने वीडियो के ऊपर कैसे अप्लाई करना ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते, उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल काफी पसंद आने वाला है। सबसे पहले वीएन एडिटर को हम ओपन कर लेंगे एंड प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे जिस वीडियो को हमें एडिट करना है एंड एरो वाले बटन के ऊपर टैप कर देंगे तो वीडियो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी वीडियो को स्लो मोशन ये सब कर लेना होगा क्योंकि देख सकते हो नॉर्मल सी वीडियो है, स्लो मोशन नहीं है तो यार उतना मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब स्लो मोशन करने के लिए आपको पता होगा कि म्यूजिक को म्यूट कर देना चाहिए क्योंकि यार म्यूजिक भी हमारा स्लो हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता, और हमें म्यूजिक की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि हम दिलबर वाला सॉन्ग तो ऐड करेंगे ना। सो अपने ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आपको स्पीड के ऊपर क्लिक करना होगा एंड कर्व का आप यूज करके स्लो मोशन कर सकते हो या फिर आप रेगुलर के ऊपर आके स्लो मोशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा रिक्वायर्ड हो वैसा कर लेना। सो कर्व का हम यूज करने वाले, तो कर्व में आप देख सकते हो यार स्टार्टिंग में जो हमारी वीडियो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो उसे हम थोड़ा स्लो कर लेते, तो यहां से इसे नीचे कर लिया, स्लो हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाले को भी हम थोड़ा थोड़ा स्लो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन्स ज़्यादा स्लो करने की जरूरत नहीं है, हमारी वीडियो ऑलरेडी देख सकते हो आप ये नॉर्मली ही चल रही थी, कुछ फास्ट चल नहीं रही है कि यार हमें ज़्यादा स्लो करना पड़े। सो हम थोड़ा थोड़ा इन सारे पॉइंट को नीचे कर देंगे जिसके कारण कि हमारी वीडियो जो होगा वो स्लो हो जाएगी। अगर आपको कहीं पर लगे कि यार कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया तो आप ऊपर कर देना, स्पीड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार यहाँ थोड़ा मुझे स्लो करना चाहिए वहाँ पर नीचे कर देना, जहाँ आपको लगे कि फास्ट करना चाहिए वहाँ पर पॉइंट को ऊपर कर देना। तो हो गया स्लो मोशन एंड उसके बाद डन करते, बट स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा सा स्लो रखना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्लो रखना है क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करना होगा। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अपनी म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेंगे। सो म्यूजिक के ऊपर क्लिक किया एंड उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो म्यूजिक ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब म्यूजिक को आपको प्ले करना है एंड इसमें आपको बीट मार्किंग करना होगा। तो बीट मार्किंग कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। आपको अपने म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है, बीट्स के ऊपर आ जाना होगा एंड उसके बाद आपको इसे प्ले करना है। ठीक है, प्ले करोगे तो आपको सुन पाओगे कि यहाँ पे आपको एक बीट सुनाई देगा। ठीक है, अब जहाँ भी आपको बीट सुनाई दे वहाँ पे आप ऐड कर देना। तो इस तरीके से यहाँ ऐड कर देंगे, फिर जो सेकंड बीट है वो यहाँ पे, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे। थर्ड बीट यहाँ पे, अब बोलोगे भाई तुम तो सुन नहीं रहे हो यार फिर भी तुम्हें कैसे पता चल जा रहा है, तो यार मुझे ना ये चीज़ पता है कि जहाँ पे भी ये अप एंड डाउन होता है ना वहाँ पे बीट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स मुझे पता है यार कि यहाँ पे बीट होते हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पे बीट मार्किंग कर लिया और एक लास्ट बीट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, देन उसके बाद डन करेंगे। ठीक है, तो आपको बीट मार्किंग कर लेना होगा म्यूजिक को प्ले कर करके। ठीक है, बीट मार्किंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आपको अपनी वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना और बीट के पास बिल्कुल आके स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी बीट है तो यहाँ पे भी स्प्लिट कर देंगे, जहाँ जहाँ बीट होगा हर एक प्लेस पर स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो सारे बीट के पास मैंने स्प्लिट कर दिया, देन उसके बाद इनमें हमें एक ट्रांजिशन और एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए ट्रांजिशन वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड जूम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जूम को हमें सेलेक्ट करना होगा एंड डन करना होगा, और इस जूम को ना अप्लाई टू ऑल कर दो क्योंकि हमें हर एक में जूम को ही यूज़ करना है, तो इन सभी में एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल करने के बाद देन उसके बाद आपको एफएक्स के ऊपर आना होगा एंड एफएक्स के ऊपर आके जस्ट यहाँ पे जीटर अप को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जीटर अप को सेलेक्ट करके इसे वीडियो के स्टार्टिंग में कर देना है एंड इसे भी अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो यार ये तो हमें मीन्स जहाँ जहाँ बीट है वहाँ पे जीटर वाले की रिक्वायरमेंट है, इन सब में नहीं रिक्वायरमेंट है, मीन्स ये बड़े वाले रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एफएक्स के ऊपर आके इन सभी को डन कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले में भी ये फालतू में ऐड हो गया तो इसे भी हम यहाँ पे नन कर देते हैं। तो हो गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो वीडियो है स्टार्टिंग में नॉर्मल है जहाँ पे हम लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद यहाँ हमारे बीट मार्किंग के साथ सेक इफेक्ट या फिर यू बोलो बीट इफेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद वीडियो के लास्ट में आना और ये जो वाटरमार्क है इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो वीएन में जो हमें काम करना है तो वो हमने कर लिया, मीन्स हमें यहाँ पे बीट मार्किंग करके बीट के अकॉर्डिंग सेक इफेक्ट को अप्लाई करना था। अब लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको पता होगा वीएन में हमें नहीं मिलता है, तो हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्वालिटी इंक्रीज कर लेना एंड उसके बाद एक्सपोर्ट करना। हमें यार कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कैपकट में ही मीन्स लेंस ब्लर इफेक्ट और एक वीटा एप्लीकेशन में भी मिल जाता है, तो जो एप्लीकेशन आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज़ करना। मुझे कैपकट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं कैपकट को ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो चुका, देन इसे सेव ऑनली के ऊपर क्लिक किया, सेव भी हो गया ना। उसके बाद आपको ये पता होगा कि कैपकट को यूज़ करने के लिए किसी वीपीएन में हमें कनेक्ट होना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं क्विक
वीपीएन में आता हूँ एंड कोई एक कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो वीपीएन से कनेक्ट हो चुके हैं ना, उसके बाद कैपकट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कैपकट को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी जो हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो ऐड हो चुकी ना, उसके बाद लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए या फिर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इफेक्ट को ऊपर हमें क्लिक करना होगा। देन उसके बाद वीडियो इफेक्ट के ऊपर आना है एंड यहाँ पे यार ये नो इंटरनेट वाला प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वीपीएन से कनेक्ट करने के बाद इसे रिफ्रेश नहीं किया था। ठीक है, मीन्स वीपीएन से जब भी आप कनेक्ट करो तो एक बार उसे रिफ्रेश कर देना। ठीक है, देन उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट बनाना एंड अपने वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना। देन इफेक्ट के ऊपर आएंगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जस्ट बेसिक में जाने के बाद हमें लेंस ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, ये हेलो ब्लर वाला, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड डन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा ये लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो गया। देन उसके बाद बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा शेक इफेक्ट अप्लाई है ही। ठीक है, अब जब शेक इफेक्ट हमारा खत्म हो जाता है जैसे कि यहाँ से, तो अब हमें इसमें इफेक्ट ऐड करना है फ्लैश इफेक्ट, तो उसे ऐड करने के लिए बैक कर लेंगे, फिर से वीडियो इफेक्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हमें जस्ट पार्टी में आ जाना होगा। ठीक है, पार्टी में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैक फ्लैश और वाइट फ्लैश मिलेगा, तो ब्लैक फ्लैश को आप सबसे पहले अप्लाई कर देना एंड उसके बाद डन करना और पूरे वीडियो को लास्ट तक कर देना होगा। ठीक है, और सेम प्लेस पे आपको यहाँ आना होगा। ठीक है, तो मैं सेम प्लेस पे आ जाता हूँ एंड वीडियो एंड इफेक्ट के ऊपर जाके जस्ट फिर से आपको यहाँ पे पार्टी में जाना है एंड इस बार वाइट फ्लैश को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद डन करना है और उसके बाद इसका भी ड्यूरेशन लास्ट तक करना है, थोड़ा सा आगे पीछे आप कर देना। ठीक है, देन उसके बाद डन करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ्लैश इफेक्ट भी अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई एक ही इफेक्ट अप्लाई करना, ब्लैक वाला या फिर व्हाइट वाला, जो पसंद लगे आप उसे कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद डन करें तो आप देख सकते हो हमारी जो वीडियो है यार वो क्रिएट हो चुका है। सो इस तरीके से करके आप ये वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में और अच्छा भी लगता है वीडियो देखने में। ओके, तो इस तरीके से इसे क्रिएट किया जाता है ना, उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे तो बन गई वीडियो। ओके, तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।